और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के वीटो पर ईरान की धमकी मिली है। मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी। मध्य पूर्व में बेकाबू विस्फोट का खतरा है। तो देखिए, ईरान अब अमेरिका को धमकी देने लगा है। मिडिल ईस्ट में भयंकर नतीजों की धमकी दी गई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने क्या धमकी दी है, क्योंकि ईरान भी अब लगातार धमकी दे रहा है। अमेरिका को ईरान की धमकी, क्या अमेरिकी वीटो से मध्य पूर्व में बेकाबू विस्फोट का खतरा बढ़ेगा। देखिए, जब तक अमेरिका इजराइल के अपराधों और युद्ध को लगातार जारी रखने का समर्थन करता रहेगा, तब तक क्षेत्र की स्थिति किसी भी वक्त विस्फोटक हो सकती है। बड़ी बात कही गई है विदेश मंत्री ईरान के द्वारा। और देखिए लगातार कैप्टन शाम, अब ऐसा लगता है कि ईरान वर्सेस अमेरिका, यह युद्ध अब होने वाला अगला चरण जो होगा, अगला फेज होगा, वो अमेरिका वर्सेस ईरान होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरी जो आकलन है इसके बारे में, मैं उस पर ये कुछ मतभेद रखता हूँ। ईरान अपनी जगह मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब बातें करता रहता है। उसकी अमेरिका से अपनी जो रोटी सेकने की बात है वो ये कर रहा है। जहाँ तक इजराइल की बात है या ये जो लड़ाई की बात है, मैं हमेशा से कहता रहा था, मेरे ख्याल से चौथे और पांचवें दिन से ही मैं ये कह रहा हूँ लड़ाई के, कि मिडिल ईस्ट संवेदनशील है आज का। कोई भी देश देख रहे हैं आप, कोई भी खुलकर नहीं आया, और इजराइल एक लोकल लड़ाई हमास के साथ लड़ रहा है। इवन मैंने सीरिया और लेबनान के बारे में भी कहा था कि हिजबुल्लाह का कुछ खास नहीं होने वाला, नदन फ्रंट नहीं खोलने वाला ज़्यादा, तो छिटपुट लड़ाई होती रहेगी। जहाँ तक देखिए ये मिडिल ईस्ट में ईरान की बात है, वो अपनी बातें करता है। एक्सिस ऑफ रिएक्शन जो है उनका, HHH, हुती, हिजबुल्ला और ये जो इनका जो ग्रुप है तीनों का, ये जो कर रहे हैं, ये इनका मेन मकसद है अपने आप को एक जीवित रखना, अपनी समस्याओं को या अपनी जो रोटी सेकना, अपनी बारे में बात करना। अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। ये वीटो के ऊपर सिर्फ टर्की बहुत ज्यादा फ्यूम कर रहा है, क्योंकि टर्की एक ब्रिज है मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में, और नाटो का सदस्य भी है, तो बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकता, पर वो भी अपने एक वर्चस्व मिडिल ईस्ट में रखना चाहता है। मुस्लिम कंट्रीज में, अरबियन जो कंट्रीज है उसमें सऊदी अरबिया, ईरान और टर्की, ये तीनों अपनी अपनी जगह बना के रखना चाहते हैं। लेकिन यूएई, कतार जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, जो मॉडरेट कंट्रीज हैं, मिस्र और जॉर्डन तो पहले से कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, वो इजराइल के बॉर्डर पर हैं, तो ये देश जो है सब चुप है, कोई कुछ नहीं करेगा इराक। लेकिन सर ये भी कहना गलत नहीं है कि जिस हुती, हिजबुल्ला और हमास का जिक्र आप कर रहे हैं, ये तीनों ही बहुत बड़ा सिरदर्द इसराइल के लिए बने हुए हैं और साथ ही अमेरिका के लिए भी। गाजा के जबालिया में IDF और हमास में भिड़ंत हुई है, बड़ी खबर है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये भिड़ंत हुई है। जबालिया में IDF की छापेमारी जारी है। Maximum.